हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे बिल्कुल आसानी से घर बैठकर ऑनलाइन आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीका से बताया है कि कैसे आप फॉर्म को फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन करना है और सर्च करना है RTPS। RTPS पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे ऊपर में सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है। तो इस पर करना है, इसको करना है ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोक सेवाओं का अधिकारों की सेवाएँ पे नीचे फ्रेंड्स सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से वीडियो देख के आप इजीली बना सकते हो। तो मैं अभी बनाता हूँ जाति प्रमाण पत्र। तो मैं ये नीचे वाला जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे में एक अंचल स्तर है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, अंचल स्तर पर बनाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेंट का डिटेल्स पूरा यहाँ पर फिल करना है। एप्लीकेंट्स का यहाँ पर जेंडर अगर मेल हो तो मेल दीजिए, अगर फीमेल हो तो फीमेल, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, नेम ऑफ फादर्स, नेम ऑफ मदर्स, नेम ऑफ हस्बैंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट देता हूँ। अगर आप जैसे आपका नाम कृष्णा है तो कृष्णा अब स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा, ठीक है, कृष्णा कुमार। यहाँ पर नीचे में फ्रेंड्स नेम ऑफ फादर डालना है, नीचे में नेम ऑफ मदर्स, अगर कोई महिला बना रही है शादीशुदा तो यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दे, फिर उसके बगल में जीमेल आईडी दे दे अपना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में परमानेंट एड्रेस डालना है, तो स्टेट बिहार, ठीक है। फिर उसके बाद ज़िला जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो दरभंगा अनुमंडल जहाँ है वहाँ पर सिलेक्ट करना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रखंड को सिलेक्ट करना है। प्रखंड सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स अस्थाई निवास क्या है, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर परिषद है तो नगर परिषद, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में आपका ग्राम पंचायत कौन सा है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर विलेज डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स अपना थाना कहाँ है वो थाना सेलेक्ट कर ले, ठीक है। फिर उस थाना सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बगल में पिन कोड क्या है वो एंटर कर दे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में आधार कार्ड नंबर, अगर फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है तो ही यहाँ पर आधार कार्ड अपना नंबर दे, ठीक है, अन्यथा ना दे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर के जैसा पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे अपना फ़ोटो को चूज करना है, ठीक है। आपका जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है प्रोफेशन क्या है, आपका पैसा क्या है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करना, अगर गवर्नमेंट सर्विस पे तो गवर्नमेंट सर्विस पे। यहाँ पे कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी पे, अत्यंत पिछड़ा पे हो तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग डालना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कास्ट, आप कौन से कास्ट हो उस कास्ट को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, जाति अनुक्रमांक नंबर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कास्ट सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप उपजाति अगर होगा तो यहाँ पे उपजाति का भी ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स स्वयं घोषणा पत्र है, उस पर टिक करना है आई एग्री, ठीक है। उसके बाद नीचे में कैप्चा है, तो कैप्चा को एंटर करना है, तो कैप्चा को मैं करता हूँ एंटर। उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो, रिसीट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म में कोई गलती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स एडिट पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज आप यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इसमें डाल के अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इंक्लोजर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं आधार कार्ड चूज करता हूँ, ये आधार कार्ड, ठीक है। फिर यहाँ से फाइल को चूज करता हूँ, ठीक है। फाइल को चूज करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आपको एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा और इसे करना है फाइनल सबमिट, ठीक है।
फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक रिसीविंग आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये रिसीविंग आया है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेवा प्रदान करने का तिथि भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपने कब अप्लाई किया वो सब कुछ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पीडीएफ को आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो डेट में आपको बोला है सेवा प्रदान करने के लिए, उस डेट में आपको क्या करना है, उस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।